हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनम खान व्लॉग। सो गाइज, आज है बारात डे और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। 10 बज गए हैं क्योंकि हमारी ब्राइड थी आज और दो ब्राइडल्स थी मुजफ्फरनगर की, तो हम सुबह ही निकल गए थे 1 बजे और मैं लेट हो गई। और आते ही सबसे पहले मैं रेडी हुई हूँ और घर में कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी और खाला हमारा वेट कर रही थी और हम रेडी हुए हैं। तो उनको घर की जिम्मेदारी थी कि घर लॉक करना है, तो वो हमारी वेट कर रही थी बेचारी। तो अब हमें लेट हो रही है और इनकी चाबी नहीं मिल रही है, चाबी खो गई है। क्या अब ये चाबी ढूंढेंगी दोनों की दोनों। ये मेरा आज का आउटफिट है, मैं ठीक से वीडियोस भी नहीं बना पाई, अब पैलेस में जाकर वीडियो बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। सो हम जा रहे हैं पूरी स्पीड से पैलेस और ये मेरी खाला है, ये मेरा वेट कर रही थी और हमारी वजह से इनको भी लेट हो गया है, और ये मेरा भाई भी हमारा वेट कर रहा था। खाने में आज चिकन फ्राई, चिकन फ्राई चावल दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या बहुत खाने को। आज वीडियो एंजॉय करो भाई, आज चिकन पता नहीं कौन सा चिकन है, शायद चिकन मिर्ची का है, चिकन चिली चिली भाई, स्टू बटर बिरयानी। क्या है अंकल जी, मुन्ने मामा क्या है बिरयानी। हमारा छोटा भाई ये रो रहा है, खाना खाना है इसको, ये लेट आया भाई, हम तो आके खाना भी खा लियो। कुल्फों की भीड़ चेक करो भाई, सामने कॉफी चल रही है, इधर भाई कुल्फी की भीड़ चेक करो भाई। बच भी है भाई, हमारी जीजी बेच गए हैं इधर जीजा, अब दिखाते हैं भाई आपको पान, चेक करो भीड़ अब उसमें नहीं है। तो गाइस हमारी फैमिली आ चुकी है, तो ये हमारी फूफो आ चुकी हैं और ये हमारी चाची, फूफो, कजिन्स। सो ये हमारी फूफो की लड़की, ये भी फूफो की लड़की है और वो हमारी फूफो देखो कैसे देख रही है। अच्छा, और यहाँ पे कुछ आज तूफान के मेहमान भी आए हैं। तो
तो हमारे जीजू की एंट्री हो चुकी है। देखिए जीजू की स्पेशल एंट्री विद हिज फ्रेंड्स। तो क्योंकि हम सालियां हैं तो हमारी बारी आई है मिठाइयां खिलाने की। तो अब हमने ये रस्म स्टार्ट कर दी है। जीजू आ गए हैं स्टेज पर, तो मैंने मिठाई खिलाई है, दानिया ने मिठाई खिलाई है, और अब इसी तरह एक एक करके सब कज़न्स जीजू को मिठाई खिलाएंगी। तो ये शिफा दूध लेकर खड़ी है, तो यहाँ पर इसको लगा था कि सबसे पहले मैं दूध पिलाऊंगी जीजू को, लेकिन किसी ने इसको बोला कि सिर्फ फुप्पो ही पिला सकती हैं, तो मैंने उसके हाथ से ये ले लिया था। बट फिर किसी ने बोला कि नहीं, फुप्पो नहीं पिलाएंगी, ये कज़न्स ही पिलाएंगी जो सालिया होती है, तो मैंने उसके हाथ से ले लिया, तो मेरी मैं पिलाऊंगी। तो बेचारी शिफा का यहाँ पर बेवकूफ़ बन गया। पिला दिया दूध। So guys, ये अफवाह उड़ रही है कि जो दूल्हे के बाद दूध पीता है ना, उसकी शादी हो जाती है। जो दूल्हे का दूध पीता है उसकी जल्दी शादी हो जाती है। आमीन इंशाल्लाह। पीलो पीलो पीलो। चीयर्स। अपन गा चुप लोग मारने के चलो चलो। एक्साइटेड। चीयर्स। मोहसिन तुम मिठाई खाते हुए कैमरा में आ चुके हो। हाँ जी। मोहसिन को पिला दो ये दूध। ये हमारी दूल्हे की मम्मी है। आपने देखा होगा हर शादी में एक लड़की ऐसी होती है जो मिठाई की प्लेट पकड़ के पूरे टाइम स्टेज पर रहती है, क्योंकि उसको वीडियोस में आना होता है, वो बहुत बड़ी बनती है। तो मैंने ले ली है मिठाई और अब मैं ये मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि मेरी मिठाई चली गई है। सो गाइस, गर्ल्स अब गिफ्ट्स देंगी जीजू को। एक मिनट, सब अपने अपने गिफ्ट्स दिखाओ। सबसे पहले अनम तुम दो, तुम बड़ी हो बहनों। Zed bro. Yes, camera on the side. आज हम फॉर्मल में और आपकी आज बहुत लेट हो गई थी, और मैं कुछ नहीं हूँ। आप इज़राइल को प्रमोट मत करो। डेढ़ लोग हमारे हाँ
अभी सलामी हुई है, हमने गिफ्ट्स वगैरह मिठाई भी खिलाया है हैदर भाई को। अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब हम घर जाने की मन कर रहे हैं, यहीं पर बिस्तर बिछाए आसमान के नीचे चंदा मामा के नीचे। काजू पिस्ते बादाम वाली रबड़ी वाली मावे वाली कुल्फी, ये लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। सो गाइस ये मेरी 105 कुल्फी है, 105वीं। मेरी खाला सबसे प्यारी, माशाल्लाह। पापा तो रोए नहीं, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अवार्ड मिलना चाहिए। चुप हो जाओ मामा, चुप हो जाओ। और वैसे भी आज तुम्हारा कपल गोल्स हो रहा है, पर्पल लेवेंडर लेवेंडर। दिया है मेरे भाई ने, क्योंकि किसी ने लड़की ने तो दिया नहीं, सोचा मेरे भाई मुझे इसमें काटते हैं कि मुझे। ये बहुत रो रहा था जब विदाई हो रही थी, मैं देखो इसको 2 घंटे लगे इसको जबरदस्ती चुप कराया है कमरे में ले जाकर और दिलासा दिया है कि प्लीज मत रो रहा। डॉक्टर आ गया था, ऐसे कह रहा था बच्चा मर जाएगा इतना रो रो के। कोई नहीं, 2 मिनट के रास्ते में गई है बहन गले में, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इसकी तो अंगी, इसकी अंगी दिखाओ कितना रोया तू, बहुत रोया। मैं नहीं रोया, बहुत रोया तू, आंखें बता रही। चुप हो जा सभी भाई, अर्शिल कितना रो रहा है, चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो इसको। मैगी को डोंट क्राई प्लीज, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग यार। ब्लॉग के लिए कहना पड़ता है भाई ऐसे करके। कोई नहीं यार, चुप यार, आती रही तू सारे, नहीं स्कूटी ले और सीधा, तू सारे, तू सारे वो मोमेंट्स याद कर जिसमें उसने तुझे परेशान किया। उसने तुझे बहुत थकाया, उसने तुझे बहुत थकाया, बहुत परेशान किया। अब पूरा घर अर्शिल का, पूरा रूम अर्शिल का, अब कोई परेशान नहीं करेगा अर्शिल का। पूरा घर तेरा भाई, मम्मी का नाम है तेरा भी नाम। अपना गुस्सा जाके टॉयलेट में निकाल लिया, ठीक है आपकी। मेरा रोना जरूर डाल देना, वेस्ट नहीं जाना चाहिए एक भी आंसू। ये कह रहा है मेरा रोना जरूर डाल देना, वेस्ट नहीं जाना चाहिए एक भी आंसू। किसी लड़की ने तब तक गुलाब नहीं दिया है तो मेरे भाई ने ये सारी फॉर्मेलिटीज मेरा भाई पूरी कर रहा है मेरी। तरस आ जाता है बेचारी की शक्ल पे, क्या रहा तरस आ जाता है। गुलाब की भूखी हूँ मैं। चलो आओ, काटे भी चुप गए। अब तो ये हमारे तैबू हैं, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। टैबू घुटने पे बैठ गए, बीवी के आगे झुक सकते हैं, बीवी के आगे झुक सकते हैं। अम्मा क्या बदतमीजी है ये, क्यों मजाक बना रहे हो? बाय। चलो खुले में नहीं अभी। शफी ये क्या जमादारों की तरह खड़े हो गेट पे?
मतलब शादी हो गई तो एंट्री नहीं मिलनी क्या? नहीं, शादी हो गई तो एंट्री नहीं मिलनी अब घर में तुम्हें। जूते तो छोड़ देती, जूते भी उठा लाए दूसरे के। तैबू मेरे जूते पैर सूज गए। तो मेरा सपना था कि लहंगा पहन के मैं घूमूंगी, बट पैलेस में तो मुझे टाइम नहीं मिला, ना वहाँ पर स्पेस था और सब देख रहे थे, तो मैं खाली सड़क में अब मैंने अपना ये सपना पूरा कर लिया। क्योंकि पैर दुख गए थे तो शूज निकालने पड़े, सारे कपड़े हुई पहनने दोबारा। मेरे बेटे चौथी में पहन के जाऊंगी, बारात में पहनूंगी। तारे गेट खुल गया, फाइनली गेट खुल गया है और हम एंट्री हो गए हैं अपने घर में। हाँ जी, लाओ खिलाओ, मैं तो आंटी के हाथ से खाऊंगी। ये देखो खाला है अपने भांजे को बिगाड़ते हुए। मशहूर मेरे इश्क की कहानी, मैं देखो कहाँ चले आए आशु मामा। दिवानी, दिवानी, ये मेरी आंटी। सो गाइज, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि पैलेस में तो खाना ही नहीं खाया, सिर्फ हमने नॉर्मल ऊपर की चीज़ें खाई हैं। रात के 2:30 बजे हम दो घर से चले। तो पैलेस में से धीरे धीरे सब सामान आ रहा है। सो गाइज, हम खा रहे हैं ये रसमलाई जो हमारी वेडिंग में बनी थी, और रात मैं आपको बता दूँ 1000 लोगों का खाना बच गया, तो रात हमने पूरी रात वो डिस्ट्रीब्यूट किया और हम सुबह 4-5 बजे सोए हैं, पूरा खाना डिस्ट्रीब्यूट।